from indirect speech ability. बहुत सारे वाक्य किए हमने इसके। अब आपके इन वाक्यों को डायलॉग के स्टाइल में पूछा जाता है। डायलॉग के स्टाइल में मतलब कैसे पूछा जाता है, जैसे राम लिख दिया और लिख दिया वेयर डू यू लिव, देख लड़ो समझ लो, ये थोड़ा कठिन रहता है हल करना। श्याम ने जवाब दिया आई लिव इन बीकानेर। ये दो वाक्य एक साथ हैं, ये डायलॉग स्टाइल में कैसे इनडायरेक्ट स्पीच को हल करते हैं ये आज समझ रहे हैं हम। दो वाक्य इसमें एक साथ आते हैं और नीचे लिखा हुआ आता है राम आस्क और ऐसे लाइन खींची हुई आती है, ठीक है। इसके नीचे लिखा होता है श्याम रिप्लाइड। समझने की बात है किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं ये तरह के। वो देखो इसमें डायलॉग स्टाइल में आपको सेड टू वगैरह नहीं लगा हुआ देगा, आपको अपने स्तर पर पढ़ना है कि इसमें सेड टू आएगा कि आस्क लगाएंगे कि इफ लगाएंगे, वो आप पर जाता है। ये दो सेंटेंस है डायलॉग, राम कह रहा है वेयर डू यू लिव, ठीक है। हम जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो अपना नियम क्या होता है, राम यहाँ पर किसको कह रहा है, हम वहाँ लिखते थे ना राम सेड टू श्याम, तो यहाँ पर दूसरा नाम किसका है वो आ जाएगा नाम श्याम, ठीक है। प्रश्नवाचक है इसलिए राम आस्क्ड किसको कर रहा है, नीचे वाला नाम जो होगा वो यहाँ आ जाएगा राम आस्क्ड श्याम, चीज वही है बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है डायलॉग स्टाइल में, वाक्य को बना दिया गया है। तो राम आस्क्ड जिसका नाम लिखा हुआ वो यहाँ लिखो श्याम। WH वर्ड में क्या नियम है, वहाँ इनवर्टेड कॉमा यहाँ नहीं है, तो अपने को नियम वही लगाना है, इफ लगाओ डेट लगाओ या WH वर्ड लगाओ। WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड आ रहा है तो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा वेयर, ठीक है। उसके बाद वही डू है नहीं, पहले यू देखेंगे, यू पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन दूसरे स्थान यहाँ से बदलेगा, यहाँ देख लिया करो वहाँ मत देखो, यहाँ देखो इस लाइन में श्याम लिखा हुआ है तो हम कहेंगे यू योर और यू, श्याम के लिए क्या आ जाएगा ही हिज और हिम आ जाएगा, यू के सामने कौन आ गया ही। फिर कह रहा हूँ यहाँ नियम सारे वही लगाना है, WH वर्ड वापस आ गया, फिर यू सेकंड पर्सन है दूसरे स्थान श्याम से बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया ही आ गया। यू अकेला हो हटा दो, वर्ब क्या है लिव, सेकंड फॉर्म लगा दो क्या होती है लिव होती है, वेयर ही लिव। समझ भाई बात, नीचे वाला वाक्य में हमेशा जवाब दिया जाएगा, श्याम ने जवाब दिया इसलिए इसने लिख दिया श्याम रिप्लाइड, लिख दिया। ये वाक्य प्रश्नवाचक है क्या, देखो ये वाक्य साधारण है, साधारण है तो रिप्लाइड के बाद क्या लग जाएगा दैट लग जाएगा, ये दूसरा वाक्य जवाब देने वाला होगा राम रिप्लाइड दैट लगा दिया। फिर यहाँ से शुरू हुआ वाक्य आई आ रहा है, आई पर्सन कौन सा है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर इस लाइन में बता रहा हूँ मैं आई पहले स्थान यानी कि पहले स्थान पर अब श्याम है, अब दूसरे स्थान पर नहीं लिखा हुआ वो कौन हो गया राम हो गया, पहले पर जब श्याम आ गया दूसरे पर कौन हो जाएगा राम आ जाएगा। इसमें राम पहले फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन है श्याम है, यहाँ श्याम पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर राम आ गया, तो आई पहले स्थान श्याम से बदलना है तो हमने लिखा आई माई मी और बदल श्याम से रहे हैं तो ही हिज और हिम, आई के सामने कौन आ गया ही आ गया, ही आ गया। लिव फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इनडायरेक्ट में किसमें बदल जाती है सेकेंड फॉर्म में, ही लिव इन बीकानेर। सरल है पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है और एक बार में समझ आ जाएगा ऐसा नहीं है, समझ में एक बार में नहीं आएगा, विशेष बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखो सीता कह रही है आर यू गोइंग टू मार्केट, मोहन कह रहा है यस आई एम गोइंग, बता देता हूँ बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, ऐसे दो वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ लिखा हमने सीता आस्क्ड, पेपर वाला मान लो एग्जाम वाला लिख के दे रहा है अपने को और खींच के दे रहा है, ठीक
ठीक है, यहाँ लाइन है, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, और नीचे आ रहा है मोहन रिप्लाइड। जगह खाली छोड़ी भी है वहाँ भरना है हमने। तो पहला वाक्य सीता आज प्रश्नवाचक है क्या, पहले ये देखो है प्रश्नवाचक है, तो सीता आश्र किसको कर रही है, देख लो नाम आ गया मोहन, सीता आश्र मोहन लगा दिया। नीचे वाला नाम यहाँ आ जाएगा, सीता किसको कह रही है, मोहन को, सीता आश्र मोहन, ठीक है। प्रश्नवाचक है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगाते हैं, नियम वही लागू होगा जो इन्वर्टेड कॉमा हो चाहे नहीं हो, नियम वही लागू होगा, इफ लगेगा। यू बदलेगा मोहन से, देखो यहाँ यू है दूसरे स्थान, दूसरे स्थान पर यहाँ देखोगे वहाँ नहीं देखोगे, पहला स्थान सीता का हो गया, दूसरा कौन हो गया, मोहन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया मोहन, मोहन से बदलना है तो क्या आ जाएगा, ही, ई जा रहे हम किस में बदलता है, वाज में। गोइंग का क्या आ गया, गोइंग, टू का क्या आ गया, टू, और मार्केट हो गया मार्केट। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहाँ से यू बदला, इफ लगाया, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। आगे चले, नीचे जवाब देने वाली बात है, जवाब कौन दे रहा है, मोहन, मोहन कह रहा है यस, यस और नो के दो आंसर होते हैं याद रखना, मोहन रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड सेड दैट, यस आए तो ये लाइन याद रखनी है, क्या लिखनी है, रिप्लाइड लिखा हुआ होगा इन पॉजिटिव एंड सेड दैट, इन पॉजिटिव एंड सेड दैट, इन पॉजिटिव एंड सेड दैट, क्योंकि आगे वाक्य जोड़ा हुआ है, और दैट इसलिए लगाए क्योंकि साधारण वाक्य है, देखो ये, अब यस के लिए देखो हमने ये लिख दिया रिप्लाइड, ये यस के लिए आया है, यस के लिए ये मीनिंग आ गया, रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड सेड दैट, याद करना पड़ेगा ये, तो ये याद रखना है, इन एफर्मेटिव भी आता है, अभी पॉजिटिव याद रखो, फिर और वाक्य आएंगे तो पता लग जाएगा क्या बदलना हमने को, नेगेटिव आता है जब नो लिखा हुआ हो, एंड नेगेशन आता है नो लिखा हुआ हो, तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड सेड दैट लगा दिया। आगे इसमें आई आ रहा है, आई बदलेगा मोहन से, तो मोहन के लिए क्या आ गया, ही आ गया, ये रहा आई माई मी, मोहन के लिए ही इज हिम, क्योंकि यहाँ आई आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है तो यहाँ एक नंबर पर कौन है, मोहन, आई पहले स्थान से बदलेगा, सीता दो नंबर पर आ गई, वहाँ पर सीता एक नंबर पर थी, दो नंबर पर कौन था, मोहन था, ये ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ ही आया है, सी नहीं आया है, इज आ रहा है किस में बदल गया, वाज में, ही वाज हुई, हाँ वो जा रहा है, तो यस के लिए ये याद रखना है, रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड सेड दैट लगाना है, और नाम पर विशेष ध्यान रखना है, कौन सा नंबर फर्स्ट पर है, कौन सा सेकंड पर है। आज हमने दो वाक्य देखे हैं, क्योंकि ये थोड़े कठिन रहते हैं वाक्य को समझना, कि ये फर्स्ट पर्सन कौन सा है, पहला स्थान कौन सा है, डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, इफ का प्रयोग है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो इनको डायलॉग के स्टाइल में आप लिख कर देखें, फिर और बहुत सारे वाक्य इसके देखेंगे।